दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया फैशन चल चुका है। इसके अनुसार आपकी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, इसका समाधान लोग बताते हैं। यह खा लीजिए तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, फला चीज़ खा लीजिए तो आप 70 साल तक बीमार नहीं होंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, फला चीज़ खा लीजिए तो आप 90 साल तक घोड़े की तरह दौड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, और कहीं पे कोई चीज़ जला दीजिए तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, या कहीं पे कोई चीज़ रख दीजिए तो पैसा बरसने लगेगा। भाई, छत है तो पैसा बरसेगा तो पड़ोसी के यहाँ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो वीडियो मैंने पाया है सोशल मीडिया पे, उसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि अगर आप 7 बादाम के टुकड़े और उतनी ही मात्रा में मिश्री और लगभग उतनी ही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं 2 दिनों तक, और साथ ही साथ अपने पैर के तलवों पे घी का मालिश करते हैं दोनों ही पैरों पर आधे आधे घंटे तक, तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका चश्मा उतर जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सच क्या है। पहले तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूँगा, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि आपको 2 दिनों तक इतनी 7 की संख्या में बादाम और लगभग उतनी ही मात्रा में, मात्रा का मतलब है वजन में, उतनी ही वजन का मिश्री और उतनी ही वजन का आपको सौंफ 2 दिन तक खाना है, और देसी घी से पैर के तलों में आधे घंटे तक मालिश करनी है। अब ये एक्सपेरिमेंट मैं 2 दिन ही 10 दिन करके देखूंगा और फिर जानूंगा कि इससे वायरल वीडियो का क्या सच है, और क्या आपको सचमुच सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए या देखना भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, बताए गए नुस्खा को मैं अभी खा रहा हूँ, मेरे मुंह में ही है और मैंने मालिश करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे बताए गए वीडियो में पाया था, दोनों पैर के तलवे को देसी घी से आधे घंटे तक मालिश करना है। 2 दिनों तक ऐसा आप करेंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, चाहे चश्मे का नंबर कुछ भी क्यों ना हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं 2 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक करूँगा और फिर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊँगा कि मैंने क्या पाया। वैसे आप क्या सोचते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से किसी भी नंबर का चश्मा उतर सकता है? प्लीज़ अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ऐसी वीडियो आपके सामने आते हैं तो उसे बिल्कुल ही ना देखें, या कम से कम उसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख दें, क्योंकि दोनों ही तलों पे मालिश करना है और आधे घंटे तक करना है। तो अगर मैं आधे घंटे तक दोनों तलों पे करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से अधिक की हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरे पैर की भी तलवे की मालिश करूँगा। दोस्तों, अगर कोई मेरी बात, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपना राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, क्या किसी का चश्मा उतर सकता है। हालांकि मैं 10 दिनों के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।